अब से में तीन नहीं चार साल की डिग्री होगी एक लंबी सी पी आती है और हमें कंफ्यूज करके चली जाती है बट गाइज डोंट वरी आई हैव गॉट योर बैड खुद समझकर आपको समझाना ही काम है मेरा एंड आपको बस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है पूरा ये जो फोर ईयर एडुकेशन होने वाला है फोर ईयर डिग्री होने वाली है ना उसके बारे में समझने के लिए

सबसे पहला अगर मैं फर्स्ट ईयर के बाद अपना डिग्री छोड़ना चाहूँ एग्जिट करना चाहूँ तो मुझे मिलेगा अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन द फील्ड ऑफ स्टडी और डिसिप्लिन जो मेरा वो एक फील्ड या स्टडी था डिसिप्लिन का उसमें मुझे मिल जाएगा अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट अगर मैं अपना सेकेंड ईयर के बाद एग्जिट करना चाहूँ यानी कि सेमेस्टर फोर के बाद तो मुझे उस केस में मिलेगा अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द फील्ड ऑफ स्टडी या डिसिप्लिन इसके बाद आती है मेन थोड़ा सा चेंज विच इज अगर मैं तीन साल के बाद एग्जिट करना चाहूँ क्योंकि इस पूरी जो डिग्री है इसकी एग्जाम जो ड्यूरेशन है वो फोर ईयर तक एक्सटेंड की जा सकती है इसलिए हम तीन साल भी तीन साल बाद भी छोड़ सकते हैं सो अगर मैं तीन साल बाद अपनी डिग्री को छोड़ना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा अब हमारे डिविजन्स आते हैं ठीक है अगर मेरे पास एक ही सब्जेक्ट था एक ही डिसिप्लिन था जो मैं पढ़ रही थी तो उस केस में मुझे मिलेगा बैचलर्स डिग्री ऑनर्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सपोज मैथ्स ऑनर्स ठीक है एंड अगर ये ये तब अगर मैं सिंगल ले हूँ लेकिन अगर मैं मल्टीपल कोर्सेज स्टार्टिंग से पढ़ रही थी उसमें मुझे मिलेगा बैचलर्स डिग्री ओनली बैचलर्स डिग्री इन द फील्ड ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज ऑफ स्टडी ठीक है ये हो गया हमारा थर्ड ईयर में एग्जिट करने तक का इसके अलावा अगर जो हमारे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं उसमें मैं एग्जिट करूँ तो मुझे वही मिलेगा बैचलर्स ऑफ वोकेशन बी वॉक की डिग्री मिलेगी दैट्स इट अब इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है हमारा चार साल का तीन साल का तो हमेशा होता था मुझे पता है मैंने एडमिशन लिया था मैथ्स ऑनर्स में मेरी तीन साल की डिग्री हुई थी मुझे बी एस सी मैथ्स ऑनर्स मिला था वो आपको भी सेम मिलेगा तीन साल बाद जैसे कि मैंने अभी बताया अगर आप वन स्टडी पे गए जैसे मैं वन स्टडी मैथ्स पे गई थी सिंपल नाउ बिफोर मूविंग फर्दर इन द वीडियो आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज अबाउट समथिंग रियली इंपॉर्टेंट exams are very near and now it's the time to practice revise and prepare well for our final exams as well as the competitive exams and to help you guys with this unacademy has launched free live mock test series for all the CFC8 aspirants you can give this 2 hours free test to analyze your current preparation Apart from this, you can either go for individual subscription for part A and Part B or can opt for a combo subscription as well. Structured recorded courses, live doubt solving sessions, test series, quizzes, and unlimited access will be provided. Also, you can join the recently launched batches. CUET Part B batch will not just help you in cracking CUET, but at the same time, it will also help you with science class 12 board exams. CUC at Part A batch will help you in strengthening your LR, DI, General Awareness, English, etc. Now is the time to ace your final exams and simultaneously prepare yourself for the upcoming entrance exams to secure a good college. So what are you waiting for? All the links are given in the description box. You can use my code AYUSHI1010 to unlock for free and then get 10% off on any subscription. So let's crack it. अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ विच इज अगर मैंने फोर्थ ईयर के बाद यानी कि पूरी डिग्री कंप्लीट करी तो मुझे क्या मिलेगा अब ये भी दो भागों में डिवाइडेड है पहला अगर मैं एक ही सब्जेक्ट में एक ही डिसिप्लिन में आगे बढ़ रही थी या फिर अगर मैं मल्टीपल कोर्सेज पढ़ रही थी सो अगर मैं सिंगल डिसिप्लिन पढ़ रही थी यानी कि एक ही सब्जेक्ट वाला मैंने ऑप्ट किया हुआ था उस केस में मुझे मिलेगी बैचलर्स डिग्री ऑनर्स विथ अकेडमिक प्रोजेक्ट स्लैश रिसोर्च स् इंटरप्रनोरशिप जो भी आप करते हो उस पर्टिकुलर ईयर में लेकिन अगर मैंने मल्टीपल डिस मल्टीपल कोर्सेज वाला ऑप्ट किया होता उस केस में मुझे मिलेगी बैचलर्स डिग्री ऑनर्स ठीक है इतना ही बैचलर्स डिग्री ऑनर्स डिग्री ऐसा ही मिलेगा बस दैट्स इट सो ये पूरा क्रक्स है जितना भी आपको समझने की जरूरत है अभी ठीक है एंड इन फैक्ट अभी ये सब सोचने की जरूरत है भी नहीं अभी अपने एंट्रेंस पे और अपने एग्जाम्स पे फोकस करने की जरूरत है बट इन्फॉर्मेशन होना इज अ नाइस थिंग सो दैट आप अभी से सोच के चलो कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है एक सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उसके हिसाब से ये जो एग्जिटिंग ऑप्शन है ये तो आइगेस हम बाद में ही डिस्कवर करेंगे आफ्टर गोइंग टू द कॉलेज थिंग सो या दिस ऑल अबाउट इट सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट रेज वीडियो आई होप दैट यू रियली रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ इतनी मेहनत से मैंने वो पी डी एफ पढ़ी नोट्स बनाए हैं उसके बाद उस वीडियो को एक दो शॉर्ट्स एक दो टेक्स लेकर बनाया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार वीडियो को एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मैं ऐसी वीडियोज लेकर आती रहती हूँ एंड अगर कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है कोई भी डी यू का एस्पेरेंट है उस केस में वो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना क्योंकि डी यू के एडमिशन तक की जर्नी में मैं आपके साथ हूँ सो so या yeah, उसके बाद भी हूँ कॉलेज के टाइम पे भी हूँ बट या आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप वॉचिंग माई अदर वीडियोज़ एंड बाय